हमारा सौर मंडल एक अद्भुत जगह है। ये प्लैनेटों, चंद्रमाओं, क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं का एक कॉस्मिक नृत्य है, जो सभी सूर्य नामक एक ही तारे के चारों ओर घूमते हैं। हमें पता चला कि हमारा कॉस्मिक मोहल्ला जाने पहचाने प्लैनेटों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। बर्फीले पिंडों और हमारे सूर्य के जन्म से मिस्ट्रीजमय अवशेषों के दायरे में नेपच्यून से परे विशाल विस्तार में कुइपर बेल्ट है, जो एक कॉस्मिक डोनट के आकार की रिंग है, जो सूर्य से लगभग 30 से 55 खगोलीय इकाइयों तक फैली हुई है। कुइपर बेल्ट में शुरुआती सौर मंडल और उन प्रक्रियाओं के सुराग हैं जिनके कारण प्लैनेटों का निर्माण हुआ। नीम देव में से कुइपर बेल्ट की खोज ने सौर मंडल की संरचना के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। तब से हजारों कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की खोज की जा चुकी है और यह अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में 1,00,000 किलोमीटर से भी बड़े व्यास के लाखों ऑब्जेक्ट्स हैं। कुइपर बेल्ट के भीतर विभिन्न प्रकार के बर्फीले पिंड रहते हैं, जिनका आकार छोटे कंकड़ से लेकर प्लूटो जैसे बौने प्लैनेटों तक होता है। प्लूटो, जिसे कभी हमारा 9वां ग्रह माना जाता था, को 2006 में एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। एरिस और माकेमिक जैसे अन्य बौने प्लैनेटों के साथ प्लूटो को अब कुछ सबसे बड़े ज्ञात कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के रूप में पहचाना जाता है। इन वस्तुओं का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जिनके कारण प्लैनेटों का निर्माण हुआ और हमारे सौर मंडल का विकास हुआ। इससे भी आगे सूर्य से 1,00,000 खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ एक काल्पनिक क्षेत्र है, जिसे ओर्ट क्लाउड के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल के चारों ओर एक गोलाकार आवरण है, जो बर्फीले प्लैनेटों से बना है। जबकि ओर्ट क्लाउड का कोई प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया गया है, लेकिन इसके अस्तित्व का अनुमान लंबी अवधि के धूम केतुओं की कक्षाओं से लगाया गया है। ये धूम केतु अपने लघु अवधि के समकक्षों के विपरीत, जो कुइपर बेल्ट में उत्पन्न होते हैं, में ऐसी कक्षाएं होती हैं जो हजारों सालों तक चल सकती हैं। जबकि कुइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड दोनों ही बर्फीले पिंडों और प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेषों से बने हैं, वे काफी भिन्न हैं। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे एक डोनट के आकार का क्षेत्र है, जबकि ओर्ट क्लाउड पूरे सौर मंडल को घेरने वाला एक विशाल गोलाकार खोल है। कुइपर बेल्ट की वस्तुएं भी ओर्ट क्लाउड की तुलना में बहुत बड़ी और अधिक सघन है। ओर्ट क्लाउड उस सामग्री से बना है जो विशाल प्लैनेटों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर की ओर बिखरी हुई थी। हमारे सौर मंडल के ये दूर के क्षेत्र कुइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड कॉस्मिक टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेषों को संरक्षित करते हैं। इन क्षेत्रों और उनके भीतर की वस्तुओं का अध्ययन करने से उन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है, जिनके कारण हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। इन वस्तुओं का वितरण और कक्षाएं हमें उन गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं के बारे में भी बता सकती हैं, जिन्होंने हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक विकास को आकार दिया। देखें, जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, कुइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड महत्वपूर्ण खोजों की क्षमता वाले आकर्षक क्षेत्र बने हुए हैं। उन्नत दूरबीनों और उपकरणों से लैस भविष्य के मिशन इन क्षेत्रों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम होंगे, उनके मिस्टरीजों का अनावरण करेंगे। इन क्षेत्रों का अध्ययन केवल हमारे अपने सौर मंडल को समझने के बारे में नहीं है, इसका अन्य सितारों के आसपास ग्रह निर्माण की हमारी समझ पर भी प्रभाव पड़ता है।